हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज दोस्तों हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मल्टी प्रोफाइल वैकेंसीज़ हैं, राइट। इसमें जो टाइप ऑफ कैंडिडेट होंगे वो लोअर लेवल से हायर लेवल से हायर लेवल तक होगा, राइट। जो क्लर्क लेवल से आपका जो हायर मैनेजर लेवल है, ब्रांच मैनेजर लेवल तक जाएगा, राइट। तो इसमें मल्टी प्रोफाइल वैकेंसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो हम देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे एंड सैलरी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेटली होगा, बिकॉज इसमें डिफरेंट मल्टीपल प्रोफाइल वैकेंसीज हैं, राइट। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में स्टेप्स वाइज हम देखेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होगी, राइट। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, राइट। तो उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको एवरी डे आपके मोबाइल पे मिल जाएगा, राइट। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी पता चले और वो भी फॉर्म फिल कर सकें, राइट। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे एज जो है आपका 18 से 40 दिया है। एससी एसटी के लिए 45, ओबीसी के लिए 45, ओबीसी ए बी के लिए 45 मैक्सिमम, मिनिमम 18 से 45 है और मैक्सिमम 45 है और जनरल के लिए 40 है। अप्लाई कैसे करना है, आपको ईमेल आईडी करेक्ट देना है एंड फ़ोन नंबर एज वेल। और इसमें जो है आपको अपना स्कैन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर्स एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो आपका बायां हाथ का थंब इम्प्रेशन देना है, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, माध्यमिक जो आपका टेंथ का है उसका जो एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट देना है, एज ए बर्थ प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन में आते हो, अगर आप इकोनॉमिकल सेक्शन में आते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपको रेडी रखना है, बिकॉज आप फॉर्म फिल करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। एग्जामिनेशन फ़ी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो एग्जामिनेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग फ़ी प्लस सर्विस फ़ी तीनों इसमें लगेगा, तो यहाँ दो देख लेते हैं पहले। जैसे कि जनरल के लिए जो है आपका, उसके लिए एग्जामिनेशन फ़ी 400 है, प्रोसेसिंग फ़ी 250 है, तो मतलब 650 आपका जो है ये जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए जो है 400 और 250, तो ओबीसी और जनरल के लिए 650 एग्जामिनेशन फ़ी प्लस प्रोसेसिंग फ़ी है टोटल। और एससी एसटी के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी है 250, राइट। और इसमें जो है आपका जैसा मैंने बताया सर्विस चार्जेज, वो भी आपको 15 रुपीज़ ट्रांजेक्शन चार्जेज आपको पे करने पड़ेंगे, राइट। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है सर्विस चार्जेज एज अप्लीकेबल जीएसटी, एज ए जीएसटी आपको, आप इसको जो है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हो एग्जामिनेशन फ़ी, राइट। मोड ऑफ पेमेंट जो है ये है। उसके बाद आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको वेबसाइट चाहिए, तो www.webcsc.org, वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन में वैकेंसी निकली हुई है। मल्टीपल प्रोफाइल वैकेंसीज हैं, मोर देन 100, नियर बाय 100 वैकेंसीज हैं, राइट। सैलरी स्ट्रक्चर अच्छी खासी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों देख लेते हैं। इसमें जो है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, एवरी क्वेश्चन विल कैरी सिंगल मार्क्स, राइट। और 2 घंटे, 120 मिनट में 150 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा होगा आपका 90 मिनट का पेपर, राइट। तो 90 मिनट का क्या पेपर है वो हम देखेंगे, इसका पैटर्न दिया हुआ है यहाँ इस पर, राइट। तो आप देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट पेपर में आपका 150 नंबर का जो है इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग होगा। ये तीनों जो पेपर होंगे 50-50 मार्क्स के होंगे, राइट। और इसमें जो आपको 120 मिनट मिलेगा 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टेबल टू, पेपर टू जो होगा उसमें आपका 90 मिनट में 100 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। निगे आपका इसमें जो है आपका जो है यहाँ पोस्ट कोड दिया हुआ है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो पोस्ट कोड दिया हुआ है
22001 2202 ऐसे दिया हुआ है जो है 22003 22004 ऐसे जो दिया हुआ है, तो ये पोस्ट कोड जो है ये एवरी प्रोफाइल का पोस्ट कोड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है। जैसे 22001 का जो है जो पोस्ट कोड है जिस प्रोफाइल के लिए है, उस प्रोफाइल में आपको ये पूछा जाएगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी एंड जनरल बैंकिंग अवेयरनेस सेकेंड, राइट। इसमें इससे रिलेटेड आपको 100 नंबर का MCQs क्वेश्चन होगा और आपको 90 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो जितने भी प्रोफाइल हैं, 11 प्रोफाइल हैं, तो 11 प्रोफाइल के लिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जैसे पोस्ट कोड 22011 के लिए ये है सब्जेक्ट जो सेकेंड पेपर में पूछा जाएगा, राइट। तो ये सेकेंड हो गया, सेकेंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। थर्ड स्टेज ऑफ सिलेक्शन, थर्ड पेपर जो है उसमें इंटरव्यू होगा आपका 24 नंबर का, राइट। तो 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा एंड ये आपका जो है तो ओवरऑल जो सिलेक्शन होगा वो आपका फर्स्ट आप पेपर में कितने मार्क्स मार्क्स आए, कितने नंबर आए, सेकंड में कितने आए और थर्ड आपका जो इंटरव्यू है उसमें आपका कैसा स्कोर रहा। तो इस तीनों के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा एंड देन फिर आपका अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। अब सेकेंडरी चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड पोस्ट कोड, है ना, जो जो पोस्ट कोड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो हम देख लेते हैं इसमें दोस्तों, राइट। और दोस्तों वीडियो को आप शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि आपके दोस्तों को भी जो है उनको भी पता चले, राइट, वो भी फॉर्म फिल कर सकें, राइट। क्योंकि देखिए आजकल जो यहाँ इस कंट्री में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो पेपर होता है जो वैकेंसी निकलती है तो पेपर होता ही नहीं है, राइट। तो ये सब जो है जैसे NTPC हो गया, SSC हो गया, ये सब काफ़ी चर्चा में रही जिसके लिए पेपर नहीं हुआ, डिले हो गया, ज्वाइनिंग नहीं हुआ एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सब जो है छोटे छोटे जो निकलते रहते हैं स्टेट वाइज, तो इस सब में पेपर तुरंत होता है, उतना डिले नहीं होता जितना इस सब में हुआ था। तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिएगा जो वेट कर रहे हैं इतने टाइम से, तो डेफिनेटली उनको एडवांटेज मिलेगा और वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह का जो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी भी स्टेट का हो आपको मोबाइल पे मिलते रहे। तो हम अभी वही देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये देखिए लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने का आपका 28 अक्टूबर, राइट। 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलिंग को करना, राइट। webcse.org पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल बंगाल कॉरपोरेटिव सर्विस कमीशन में वैकेंसी निकली हुई है, फर्स्ट प्रोफाइल है, पोस्ट कोड जो देखिए आप जो जिसमें अकाउंटिंग था 22001, उसमें जो है वेस्ट बंगाल स्टेट कॉरपोरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट जनरल मैनेजर। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 और कैटेगरी इसमें जनरल में आएगा, राइट। इसमें 55% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में, राइट। और इसमें जो दिया है आपका चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए, CA होना चाहिए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए या फिर MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस से होना चाहिए या MBA इन फाइनेंस होना चाहिए ओनली, राइट। दूसरा दिया है इसमें, दूसरा रिक्वायरमेंट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्वेलेंट एसर्डिटेड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नीशियन एजुकेशन AICTE, राइट। एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है अलॉन्ग विथ सैलरी 58,428 रुपीज इन हैंड यू विल गेट सैलरी फॉर दिस प्रोफाइल, राइट। अब देखते हैं सेकेंड प्रोफाइल, सेकेंड प्रोफाइल सेम लोकेशन सेम बैंक में है, द वेस्ट बंगाल स्टेट कॉपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड में प्रोफाइल है मैनेजर की और आपका पोस्ट कोड है 22002, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, SC के लिए 1, जनरल के लिए 1, राइट। इसमें जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% मार्क्स, एनी ग्रेजुएट कैन फिल फॉर दिस प्रोफाइल एंड सेकेंडरी इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्वेलेंट एसर्टिटेड
बाय ऑल इंडिया AICTE अलॉन्ग विथ सैलरी यू विल गेट 43,915 रुपीज़ पर मंथ फॉर दिस मैनेजर प्रोफाइल एट दिस बैंक, राइट। अब थर्ड प्रोफाइल जो है आपका देख सकते हैं द बेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड में मैनेजर की प्रोफाइल है, पोस्ट कोड है 22,003, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 फॉर जनरल कैंडिडेट, राइट, देर इज नो एनी रिजर्वेशन इन दिस प्रोफाइल। इसमें भी आपका जो है, इसमें भी आपका नहीं, इसमें MCA मांगा है या BTech इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, और इसमें थर्ड है शुड हैव सेकेंड जो मैनेजर है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, राइट। और इसमें देखिए थर्ड जो है शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर एटलीस्ट 3 ईयर प्रिफरल एट द पोजिशन ऑफ हेड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन टीम, है ना, जो इम्प्लीमेंटेशन टीम है उसका एज ए हेड हो और 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, एंड यू विल गेट सैलरी ऑफ 43,915 रुपीज़ पर मंथ फॉर मैनेजर प्रोफाइल, राइट। ये थर्ड हो गया, एंड फोर्थ देखते हैं अब डाउन होगा, राइट, प्रोफाइल का देखिए इस सेम लोकेशन में है मैनेजर का, इसमें ST के लिए एक है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए किसी भी प्रोफाइल से, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट है इंटेंडिंग कैंडिडेट मस्ट हैव द एबिलिटी टू स्पीक रीड एंड राइट नेपाली लैंग्वेज, है ना, जो नेपाली लैंग्वेज रीड कर सके राइट कर सके एंड स्पीक कर सके एंड वही फॉर्म फिल कर सकता है, एंड थर्ड रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, राइट। 43,915 रुपीज़ सैलरी आपको एवरी मंथ मिलेगा। फिफ्थ प्रोफाइल है मैनेजर का और पोस्ट कोड है 22,005, जनरल के लिए एक वैकेंसी है लॉ ग्रेजुएट डिग्री, देयर इज नो एनी एक्सपीरियंस रिक्वायर फॉर मैनेजर प्रोफाइल, राइट। इसमें आपको सैलरी मिलेगा 43,915 रुपीज़ पर मंथ, यू विल गेट सैलरी फॉर मैनेजर प्रोफाइल इन लॉ, राइट। अब देखिए हुगली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर का जो है आपका वैकेंसी निकला हुआ है, एक वैकेंसीज हैं और वो भी SC के लिए, इसमें रिजर्वेशन लगेगा, ग्रेजुएट एंड चार्टर अकाउंटेंट चाहिए, राइट, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए, 10 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए सीनियर अकाउंटेंट इन बैंक कॉरपोरेट सेक्टर विथ नॉलेज इनकम टैक्स, मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस, चार्टर जो CA किया हुआ है 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मतलब सैलरी लाखों में होती है पर मंथ, बट यहाँ पे 57,005 रुपीज़ पर मंथ आपको मिल रहा है, जो CA किया हुआ है, 1 ईयर का आपका डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ये 2 क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस, एंड CA को 57,000 सैलरी मिल रहा है, तो काफ़ी कम सैलरीज हैं, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रोफाइल जो है बेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक में असिस्टेंट कम सुपरवाइजर की वैकेंसीज हैं, एक है इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल कम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, राइट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा, 21,859 रुपये आपकी सैलरी होगी फॉर सुपरवाइजर के लिए, असिस्टेंट कम सुपरवाइजर के लिए पोस्ट कोड 22,007 है, एंड नेक्स्ट देखिए आप जो है असिस्टेंट कम सुपरवाइजर 3 वैकेंसीज हैं, एक OBC एक जनरल और एक SC के लिए, राइट, इसमें जो है ग्रेजुएट कोई भी ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स इन हायर सेकेंडरीज, इसमें दिया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन हायर सेकेंडरीज और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, प्लस टू में जो है आपका 50% मार्क्स चाहिए, ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से चलेगा, एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड यू विल गेट आपको सैलरी जो मिलेगा 21,859 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा सुपरवाइजर के लिए, राइट। अब देखते हैं नाइन्थ जो है असिस्टेंट कम सुपरवाइजर, इसमें भी है, इसमें देखिए आपका नेपाली के लिए रखा गया है, कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, राइट, एंड हायर सेकेंडरी 50% मार्क्स चाहिए, नेपाली स्पीक राइट एंड रीड नेपाली आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर, राइट, तो इसकी सैलरी सेम है 21,859 रुपीज़, राइट। अब जो है नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल क्या है इसके लिए, स्टाफ ऑफिस कैड, राइट, इसमें 20 वैकेंसीज हैं, राइट, इसमें 20 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन,
55% मार्क्स इन द हायर सेकेंडरीज, सी ए आई सी डब्ल्यू ए एम बी ए बैंकिंग फ्रॉम ये देखिए फाइनेंस विथ एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, राइट, बी बी टेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी सैलरी जो होगी आपकी स्टाफ ऑफिसर के लिए 47,052 रुपीज़, राइट, सैलरी होगी। नॉन सीए के लिए जो है सैलरी होगी आपका 46,578 रुपीज़, राइट। उसके बाद 11वां जो प्रोफाइल है क्लर्कल क्लेट के लिए 60 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, 50% मार्क्स इन हायर सेकेंडरीज, बी टेक एम टेक ऑल इंडिया काउंसिल एसीटी से अप्रूवल चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, राइट, डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 26,513 रुपया सैलरी है, बहुत कम सैलरी है दोस्तों। तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपने देख लिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लिया और प्रोफाइल देख लिया आपने, पोस्ट कोड देख लिया एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया दोस्तों, राइट। सो ये था इसका आपका ओवरऑल इस नोटिफिकेशन का ब्रीफ डिस्कशन। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। थैंक यू।